आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे सुपरस्टार रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की वेटैया के 11 दिनों के कलेक्शन, पिछले हफ्ते रिलीज हुई मार्टिन फिल्म के भी 10 दिनों के टोटल कलेक्शन। साथ ही साथ बात करेंगे जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के भी 24 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म जाट के टीजर अपडेट और इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में, और रिव्यू करेंगे सिंघम अगेन का फर्स्ट सॉन्ग जय बजरंग बली, और आपको बताएंगे कि सिंघम पार्ट वन जो फिर से रिलीज हुई है इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इस बार रिलीज होकर कितनी कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई एक्शन पैक्ड फिल्म मार्टिन के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है एपी अर्जुन ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे ध्रुवा सरजा। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म को लगभग 7-8 भाषाओं में रिलीज किया है, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाएं खास है। अब दोस्तों जब पिछले हफ्ते ये फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म को उतने बेहतर रिव्यू नहीं मिले, जिसके चलते कहीं ना कहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की है वो उम्मीद से काफी कम है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मार्टिन फिल्म ने हिंदी मार्केट में मुश्किल से 1.5 करोड़ रुपए ही कमाए हैं अब तक, लेकिन फिल्म की जो बाकी भाषाओं की कमाई है वो भी काफी खराब रही। हालांकि फिल्म के मैक्सिमम जितने भी कलेक्शन आए वो इसके ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि कन्नड़ा से ही आए हैं, और 10 दिनों की अगर बात की जाए तो इस फिल्म ने 10 दिनों में सभी भाषाओं में जो कमाई की है वो इस फिल्म के बजट की 50% भी नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें मार्टिन फिल्म के ओल्ड लैंग्वेज 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें दोस्तों फिल्म ने शुरुआती 8 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 30 करोड़ 48 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार यानी कि 9th डे पर 2 करोड़ 13 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। बात की जाए आज यानी कि 10वें दिन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज संडे होने की वजह से कल के मुकाबले इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली, और यह फिल्म अपने 10वें दिन 2 करोड़ 40 लाख रुपए का नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से कर रही है। इसी के साथ दोस्तों मार्टिन फिल्म का शुरुआती 10 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 35 करोड़ का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 41 करोड़ 65 लाख रुपए। बता दो दोस्तों 10 दिनों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 47 करोड़ 72 लाख रुपए का हुआ है सभी भाषाओं में। तो दोस्तों फिल्म अब तक यानी कि 10 दिनों में भी दुनिया भर के अंदर 50 करोड़ के आंकड़े को टच नहीं कर पाई। अब देखते हैं कि इस फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जा रहा है। वही दोस्तों अब अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुए एक और पैन इंडिया फिल्म वेटैया के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन और उनके साथ में थे सुपरस्टार रजनीकांत। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी 4 भाषाओं में रिलीज किया था, और इस फिल्म को सिनेमाघरों में अब हो चुके हैं 11 दिन। जी हां दोस्तों 300 करोड़ के भारी भरकम में बजट में बनी फिल्म वेटैया बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त दूसरे वीकेंड में चल रही, और यही कहूंगा कि यह फिल्म दूसरे वीकेंड में भी करती जा रही है ताबड़तोड़ कमाई। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को भी हिंदी में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, और यह फिल्म हिंदी मार्केट से अब तक मुश्किल से 3 करोड़ रुपए ही कमा पाई, जबकि फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे एक बड़े सुपरस्टार थे, और अगर इस फिल्म को हिंदी में सही से प्रमोट किया जाता तो शायद ये मूवी हिंदी मार्केट में ही कम से कम 20-30 करोड़ की कमाई तो आसानी से कर जाती। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने हिंदी में फिल्म को बस ऐसे ही रिलीज कर दिया थोड़ी बहुत स्क्रीन पे, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी मार्केट से कोई खास कलेक्शन नहीं कर पाई। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म के तेलुगु और तमिल वर्सन ने ऑलरेडी दुनिया भर में ऐतिहासिक कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें वेटैया फिल्म के 4 भाषाओं के 11 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि वेटैया फिल्म ने शुरुआती 9 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 48 करोड़ 87 लाख रुपए का किया था सभी भाषाओं से। वही दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार यानी कि 10वें दिन 7 करोड़ 56 लाख रुपए की कमाई की। वही बात करें आज यानी कि 11वें दिन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज संडे होने की वजह से इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में कल के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर ग्रोथ आ चुकी, और यह फिल्म अपने 11वें दिन लगभग 9 करोड़ 50 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों वेटैया फिल्म का शुरुआती 11 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 165 करोड़ 93 लाख रुपए का हो रहा है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 197 करोड़ 45 लाख रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म का जो 11 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो रहा है 294 करोड़ 71 लाख रुपए। दोस्तों सब कुछ सही रहा तो यहां पर वेटैया फिल्म कल यानी कि अपने 12वें दिन है
नहीं दुनिया भर में 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को जितने में बेचा गया था उस हिसाब से देखे जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट होती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक फिल्म का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो निकल कर नहीं आया है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है, सुपर हिट हुई है या फिर एवरेज। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट फिल्म देवरा के बारे में। तो शिवा कोटला के डायरेक्शन में बनी देवरा फिल्म, जिस फिल्म का भी बजट 300 करोड़ रुपए था और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया था। बताना चाहूंगा दोस्तों ये फिल्म इस वक्त चौथे हफ्ते में चल रही है और कमाल की बात यह है कि वीकेंड आते ही इस फिल्म के कलेक्शन में भी एक बड़ा उछाल आ चुका है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि देवरा फिल्म के पास जो स्क्रीन से वो दूसरे हफ्ते के बाद तो कम हो चुकी थी लेकिन चौथे हफ्ते में इस फिल्म की स्क्रीन तीसरे हफ्ते के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ चुकी है और ज्यादा स्क्रीन होने की वजह से ही इस फिल्म की कमाई में एक बार फिर से अच्छा खासा उछाल आ चुका है। तो अगर बात करें देवरा फिल्म के अब तक के यानी कि 24 दिनों के ऑल लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि देवरा फिल्म ने शुरुआती 22 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 349 करोड़ 42 लाख रुपए का किया था सभी भाषाओं के अंदर। वही दोस्तों फिल्म ने अपने चौथे शनिवार यानी कि 23वें दिन 2 करोड़ 58 लाख रुपए की कमाई की ऑल लैंग्वेजेस से। वही बात करें आज यानी कि 24वें दिन की तो दोस्तों आपको बता दें कि कल के मुकाबले इस फिल्म की आज की ऑक्युपेंसी में एक अच्छा खासा उछाल आ चुका और यह फिल्म अपने 24वें दिन सभी भाषाओं से लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों देवरा फिल्म का शुरुआती 24 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 355 करोड़ 10 लाख रुपए का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 422 करोड़ 56 लाख रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म का जो अब तक का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 528 करोड़ 30 लाख रुपए का हो चुका है। तो दोस्तों देवरा फिल्म 24 दिनों में तो 528 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना जाता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का जो साउथ वर्जन है वो बहुत ही जल्द OTT पे रिलीज होने वाला है और इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो शायद हमें 1 महीने बाद देखने को मिलेगा। तो जब तक फिल्म OTT पर नहीं आती तब तक शायद ये मूवी साउथ लैंग्वेजेस से एक डिसेंट कमाई और कर सकती है और हिंदी मार्केट में तो इस फिल्म को इस हफ्ते और कमाने का एक बड़ा मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड के असली एक्शन किंग यानी कि सनी पाजी की अपकमिंग फिल्म जाट के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है गोपी चंद मालिनी ने और इस फिल्म में सनी देओल के अलावा हमें रणदीप हुड्डा भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कल था सनी पाजी का जन्मदिन और उनके जन्मदिन के मौके पर जाट फिल्म का फर्स्ट लुक धमाकेदार पोस्टर रिलीज हुआ जिस पोस्टर में सनी पाजी पूरी तरह से खतरनाक लग रहे हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि इस पोस्टर के अंदर सनी देओल के हाथ में कोई बड़ा सा पंखा है जिसे देखकर लगता है कि भैया जिस तरह उन्होंने गदर में हेडपंप उखाड़ा था उस तरह शायद इस फिल्म में वो किसी एरोप्लेन का पंखा ही उखाड़ने वाले हैं। तो दोस्तों फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर तो देखने में काफी खतरनाक है लेकिन यहां पर फिल्म का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि इस फिल्म का एक मोशन टीजर भी कल रिलीज होने वाला था लेकिन किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से इस फिल्म का मोशन टीजर कल रिलीज नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली आज या कल में आपको यहां पर जाट फिल्म का जो टीजर है वो भी देखने को मिलेगा जहां पर थमन का एक पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा टीजर के साथ में। हालांकि दोस्तों बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो सुनने में दोस्तों ये आ रहा है कि जाट फिल्म रिलीज होगी 26 जनवरी को अगले साल। जी हां दोस्तों 2025 में ये फिल्म 26 जनवरी के वीकेंड पर रिलीज की जाएगी। इससे पहले 26 जनवरी के मौके पर सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 रिलीज होने वाली थी लेकिन उस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क अभी बाकी है जिसके चलते उस फिल्म के रिलीज डेट को आगे बढ़ाकर यहां पर सनी देओल 26 जनवरी के मौके पर जाट फिल्म को रिलीज करेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि जिस तरह सनी पाजी की पिछली फिल्म गदर 2 एक ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर रही थी उसी तरह अगर जाट फिल्म में भी दमदार एक्शन और बढ़िया कहानी देखने को मिली तो ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर सकती है। दोस्तों अब अगर बात करें इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन के बारे में, रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी कोप यूनिवर्स की अगली फिल्म सिंघम अगेन, जिस फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन एज द सिंघम, वही सुपरस्टार अक्षय कुमार एज द सूर्यवंशी और रणवीर सिंह एज द सिम्बा और टाइगर स्वरूप एज द सत्या देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों पिछले दिनों सिंघम अगेन का धमाकेदार ट्रेलर आया था जिसे हर किसी ने पसंद किया और हर ऑडियंस इस वक्त सिंघम अगेन को बड़े पर्दे पर दीपावली पर देखने के लिए पूरी तरह से बेताब है। ऐसे में दोस्तों सभी फैंस का इंतजार था कि
सिंघम अगेन का फर्स्ट सॉन्ग कब आएगा। तो जैसे कि मैंने अपने 3 दिन पहले के ही वीडियो में बता दिया था कि सिंघम अगेन का फर्स्ट सॉन्ग आपको आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिलेगा, और हमारी अपडेट बिल्कुल करेक्ट हुई। और यहाँ पर सिंघम अगेन का फर्स्ट सॉन्ग जय बजरंग बली कल रिलीज हो चुका है, जो कि देखने में पूरी तरह से लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जय बजरंग बली सॉन्ग में कहीं ना कहीं हमें फिल्म के मेकर्स रोहित शेट्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि इस फिल्म में जिस तरह रणवीर सिंह हनुमान जी की तरह नजर आएंगे, और जैसे रामायण में हनुमान जी लंका जाकर पूरी लंका को जलाकर आ जाते हैं, वैसे ही इस गाने को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह पता चलेगा कि रणवीर सिंह भी रावण यानी कि अर्जुन कपूर के अड्डे पर जाकर उनके अड्डे को पूरा तबाह करता है। साथ ही साथ इस गाने के अंदर विजुअल जो जितने भी देखने को मिलते हैं वो काफी बढ़िया लग रहे हैं, और गाने के जो लिरिक्स है वो भी काफी ठीक ठाक है। मतलब कि गाना आप बार बार नहीं सुन पाओगे, लेकिन ऐसा है कि एक दो बार अगर आप गाने को सुनते हो तो ये गाना आपको सुनने में बेहतर लगेगा। हालांकि दोस्तों यहां पर फिल्म की कहानी जिस तरह की है उस हिसाब से देखे जाए तो सिंघम अगेन का फर्स्ट सॉन्ग काफी बढ़िया लगा। अब अगर बात करें दोस्तों कि सिंघम फर्स्ट जो कि इस हफ्ते फिर से रिलीज हुई है, उसने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की, तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम पार्ट 1 को इस हफ्ते लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज किया है, जहां पर फिल्म की टिकट रेट भी काफी सस्ती है। उसके बावजूद भी इस फिल्म ने रिलीज होते अपने पहले दिन ऑल इंडिया कलेक्शन 17 लाख रुपए का किया, जो कि एक बहुत पुरानी फिल्म यानी कि लगभग 12 साल पुरानी फिल्म के हिसाब से एक ठीक ठाक कमाई है। यहां पर फिल्म के मेकर्स को सिंघम पार्ट 1 की कमाई जितनी भी मिलेगी उनका पूरा फायदा है, क्योंकि सिंघम पार्ट 1 ऑलरेडी जब रिलीज हुई थी तो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों यहां पर सिंघम अगेन से पूरी उम्मीदें हैं कि यह फिल्म जब दीपावली के मौके पर आएगी तो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से ऐतिहासिक कमाई करेगी, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर भी सुपर डुपर हिट हो चुका है, फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग भी काफी बढ़िया है। तो अब देखते हैं कि दोस्तों जब यह फिल्म 1 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी तो बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम अगेन के साथ में भूल भुलैया 3 भी रिलीज होगी, तो आप दीपावली के मौके पर कौन सी फिल्म देखने जाओगे, सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।